हेलो एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। अभी लग रहा हो थोड़ा फ्रेश एकदम क्लीन, नहीं तो यार एकदम वाइट दाढ़ी देख के मेरे को खुद को ऐसा बुढ़ा फील होता है एकदम। वैसे बाय द वे जिम तो मैं जा रहा हूँ बट 50% ऑक्यूपेंसी है, कभी भी आगे जाके चांस हो सकते हैं कि पूरा बंद हो सकता है जिम। तो मैंने एक चीज़ ज़रूर मंगा ली क्योंकि मेरे वो वाले घर पे ऊपर जिम है जो अभी धूल खा रहा है फिलहाल, तो उसको कैसे पोंछ कर मुझे अभी साफ सफाई करके उसको एटलीस्ट मेरे को 2-3 दिन वर्कआउट तो करना पड़ेगा वहाँ पे। तो बट उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगाया है अपने, जैसे कि आपको पता है मेरे पास है स्क्वाट रैक प्लस लैट पुल डाउन और सीटेड रो वाला मशीन। बट उसमें अपना छोटा वाला जो आता है पता है ऐसा ट्रायंगल वाला बन के आता है हैंडल, वो नहीं था मेरे पास, जिससे थोड़ा मारने के लिए प्रॉब्लम होता है और टी बार मारने के लिए भी मेरे पास कोई हैंडल नहीं था। तो इसलिए मैं फ्लिपकार्ट पे एक कॉम्बो पैक मिला जिसको मैंने ऑर्डर कर दिया, अभी वो आ गया है, खोल कर देखते हैं कैसा है ये। तो ये है पार्सल, बहुत दिन हो गया मैंने कुछ अनबॉक्स नहीं किया, तब पे खुलने की खुशी एकदम अलग ही रहती है, अलग लेवल पे चलती है। इसमें चार चीजें होनी चाहिए ऐसा मुझे 50% लगता है कि पॉसिबल है, क्योंकि जो हिसाब से प्राइस दिखा रहा था जो प्राइस में ये मिला है, एक या दो प्रोडक्ट भी हो गए तो मैं शॉक नहीं होगा। तो पहली चीज जो आई है वो ये है, बार आर्म्स मारने के लिए, ट्राइसेप मारने के लिए। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ये बड़ा ही नॉर्मल क्वालिटी का है, आवाज सुन रहे हो? ये भी बार ट्राइसेप के लिए अलाइनमेंट मेरे को थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है इसका, बट ठीक है ये भी चलेगा, ट्राइसेप मार लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसके लिए मैंने ऑर्डर किया है वो है ये पता तो होगा आपको, बैक मारने के लिए, टी बार मारने के लिए ये यूज होता है। तो ये मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे पास बार है, सब कुछ है, लैंड माइन है, पर अटका के किस में मारूं, हाथ से मारूंगा तो स्लिप हो जाता है, इसलिए ये मंगाया। और लकीली इस पे ग्रिप है तो थोड़ा पकड़ने के लिए भी अच्छा पड़ेगा ये। और लास्ट अपना फेवरेट ये रोप, से ट्राइसेप मारो, आर्म्स मारो, मतलब क्या क्या नहीं कर सकते आप उससे। ये मल्टीपर्पज यूज के लिए है बट इसका क्वालिटी भी थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हो ना, ये मुझे टोटल जितनी भी चीजें ना सब 1000 रुपए में मिली है, 1000 में नॉट बैड बट कितना चलेगा पता नहीं, बट होम जिम के हिसाब से तो ठीक है ये फिलहाल। बस इतना ही था इसमें। ये देख ये चीज है, ये क्या है? रोप है इतनी सी? हाँ तो वो ट्राइसेप मारने के लिए, वैसे अटका के हुक में। हाँ क्लूलेस बाकी ये सब है। तू क्या कर रही है? अच्छा लग रहा है ना मुझे ड्रेस पे, बेल्ट। तेरी कमर में वैसे आ नहीं रहा है, तेरी कमर बढ़ चुकी है। नहीं नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो मतलब कमर तेरी 32 हो गई है। वैसे अभी हम लोग को बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग ना मेरी ना शॉपिंग इसकी, शॉपिंग हमको करनी है इरेन की, क्योंकि माशाल्लाह हमारा बच्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, 6 महीने के कपड़े नहीं आ रहे उसको। तो अभी इसको, ये इनके जैसा ही है ना, इनका सब ब्रॉड है उसका, तो अभी उसका जो भी कपड़े लेना है हम लोग को साल भर के हिसाब से लेनी पड़ेगी। हाँ चिल्ला रहे, तभी हम लोग वही जा रहे हैं, हम लोग सोच रहे कि अभी रेगुलर वेयर के लिए क्या खरीदे, कहाँ से खरीदे, स्टेशन जाए वही, पर वही रहेगा थोड़ा सा, देखना पड़ेगा होलसेल में ऐसा कुछ मिल रहा होगा तो, पर आईडिया नहीं खरीदने, क्योंकि बच्चे लोग के जब खरीदने होते हैं तो पूरे लॉट में खरीदने होते हैं, 12-15 खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि दिन में कम से कम 3-4 चेंज करनी पड़ते हैं। हाँ अगर डायपर नहीं हो तो। हाँ तो मोस्टली हम लोग डायपर नहीं पहनाते बिकॉज रैशेज वैशेज आने का चांसेस होता है, स्किन बहुत सेंसिटिव है मेरे, ऐसी कुछ ना कुछ होते रहता है। तो अभी रेडी हो जाओ, निकलते हैं अपन। यस और यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए, देखो क्या हुआ अबू? अरे आगे जाओ, सड़क के आगे जाओ, रेंग के जाओ आगे, उठो घुटने पे बैठो। सो गया, थक गया। तो ये कह रही थी कि इसको ये जो पर्शियन कैट वाला सूट लिया था हम लोगों ने, ये इसको नहीं आएगा, बहुत बड़ा है, 6-12 मंथ्स का लिया, 6-12 मंथ के बच्चों का है, ठीक है। पर इसको देखो, पैर से लेके हाथ से लेके परफेक्ट, खड़ा कर, रुक कर, मैं खाने का हर चीज खाने की रहती है तेरे को, चल।
खड़ा करना, क्यूट लग रहा है तो। अयो निको चा, ये हमारा पर्शियन कैट। अरे पुछड़ी नहीं है ना? नहीं पुछड़ी नहीं है, बिना पुछड़ी वाला हमारा निको चा है। निको निको चा म्यू चा। ए है ना पुछड़ी, ये क्या है? ए रही पुछड़ी इसकी। एक साल से डेढ़ साल के बच्चों का लेना पड़ेगा कपड़ा, क्योंकि इसको एक साल वाले आ रहे अभी। ये देखो ना थोड़ा सा है। हाँ वो नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी पिकअप पकड़ा भाई इसने तो एक महीने के अंदर। तो अभी जाते हैं इन्फिनिटी, मैं तो बोल रहा ऐसे और लेते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है इसमें। हाँ है वाउचर्स है अपने पास। चलो चलो जाते, पर बिल देखना पड़ेगा उसका। तुझे दिया था? मेरे को दिया था। हाँ तेरे पास ही था सब कुछ। एंड वी आर रेडी, अभी हम लोग निकल रहे है। ये कहाँ चली गई? अच्छा निकल गई क्या? ये लोग यहाँ पे। निको निको बोलेगा मेरा नाम इरेन है या निको है, डिसाइड करो। नहीं अभी निको है, निको निको चा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इरेन को पहले नानी के पास छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे इन्फिनिटी। हाँ इसके इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी में जाएंगे हम लोग FBB FBB और एक मिनी वाला जो है जहाँ से इसका लास्ट एज जो लिया था वहाँ पे, बट मैडम ने बिल घुमा दिया और डिस्काउंट कूपन 2000 का था वो भी घुमा दिया। पर मैं बोल क्या रही हूँ उनको, उनके पास नंबर रहेगा थोड़ा सा पूछ के सेटिंग देखते एक बार, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर नहीं जाने दे। बैठ गए? मेरी बिल्ली को बिठाने दो। ओके मेरी बिल्ली। आज फिर मैं जल्दबाजी में कॉफी मारना भूल गया, मैं खुद वो जल्दी जल्दी में निकल गया। चलो तो इरेन को हम लोगों ने छोड़ दिया उसकी नानी के पास, खेल रहा है मस्त। तब तक हम लोग जाकर आते हैं क्योंकि मुझे जिम जाना है इसके बाद में। पता नहीं देखता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कमरे में मचक आ गई, ब्रो लचक आ गई। मोच आ गई, मोच और लचक को मिक्स कर दिया मैंने। तो अभी हम लोग चल के जा रहे हैं, स्कूटर से नहीं जा रहे क्योंकि मलाड़ का भाई ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है। अभी ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, थोड़ी देर बाद भी हो सकता है। उतना ही टाइम होता है जितना चल के जाना पड़ता है और यहाँ से कुछ 200-300 मीटर पे ही है इन्फिनिटी मॉल, तो हम लोग चल के जाते हैं। और ये हम लोग पहुँच भी गए। कितना लगा? 5 मिनट? 5 मिनट भी नहीं लगा। आज सब कुछ खाली खाली है, मॉल से लेके सब कुछ खाली है। वीकडे भी है, वेनसडे। हाँ इसलिए अभी हम लोग मॉल के अंदर है, बट सबसे पहले काम जो हम लोग करने वाले हो जाने वाले फूड कोर्ट। ये ज़बरदस्त भूख लगी यार, अचानक से मेरे को बहुत पेट में ना वो समझ में आ गया। हाँ मतलब खाना खाया 2 बजे, उसके बाद से कुछ खाया ही नहीं है। तो क्या कॉफ़ी पीना तुझे? खाएगी नहीं? मैं तो भाई खाऊंगा दबा के। अब आया तो ऐसा लग रहा है कुछ बर्गर शर्गर खाया जाए। अभी इसने क्या किया पता है क्या? मैं लिफ्ट में चले गया अंदर और ये बाहर ना साइन बोर्ड पढ़ते खड़ी है। लिफ्ट बंद होने वाली थी, वो अंकल ने कम से कम बटन दबा दिया, नहीं तो ये तो ऐसे देख रही है, पता नहीं क्या देख रही है। अरे वो किड्सलर में ढूंढ रही थी पूरा मैप में किड्सलर कहाँ कहाँ है। और मानोगे ना इतना खाली है, पूरा मॉल इतना खाली है कि क्या बताओ। लेट लेट के खा सकते तू? तो खाना लेट के मेरे को दिखा, आज खा के लेट के कैसा खाते लेट के जरा बताना प्लीज। अभी मैं इतना कंफ्यूज था खाने में कि क्या खाऊँ, सबवे से खाऊँ कि बर्गर किंग से खाऊँ। मैकडोनल्ड तो नहीं खाना है मेरे को, बहुत ज़्यादा चोकअप कर डालता है। बर्गर किंग हमने लिया ही है, वॉपर वाला कॉम्बो जिसमें 2 आइसक्रीम, इसमें चीज़ी फ्राइज, 2 कोक और 2 वॉपर बर्गर। वॉपर बर्गर तो मतलब इसमें से 1.5 बर्गर मेरा होगा क्योंकि ये तो आधा ही खाएगी। हाँ शक्ल दिखा जरा इधर, दी पूरा खाएगी ना? नहीं फ्राइज भी है तो इसके लिए आप फ्राइज नहीं खाते ना? ऐसा ए, उधर कौन मिला? तो नहीं खाऊंगा, तो नहीं खाऊंगा। चलो देखते हैं। ए, 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 क्या नकदी का मिक्स स्पाइसी चिकन और ये वॉपर बर्गर किंग का अलग ही प्यार। इसके अलावा कुछ खाने को जमता भी नहीं है, पता नहीं क्यों। कुछ भी कितना भी बड़ा नया नया मेन्यू डाल दे, पसंद यही आता है। वाह क्या बात, सब खत्म कर दिया तूने। जब से इरेन हुआ तो बहुत खाने लगी नहीं? मुझे तंग भी, मैं तंग जाती हूँ तो भूख लगती है। चलना भाई, इधर खाने के लिए नहीं आए अपन, कपड़े खरीदने को आए थे। अच्छा किधर जाना अपने को भी? पहले तो इधर पूछते हैं वो कूपन का है क्या? हाँ जो तूने बिल घुमा दी वही वाला ना, बराबर। तो ये थी वो जगह मिनी क्लब जहाँ से इसने बिल घुमाया और 2000 का डिस्काउंट चले गया अपने। मतलब मैंने कहाँ रखा मुझे याद? 2000 का डिस्काउंट, अबे मतलब कपड़ा आ जाते हैं उसमें। अभी वो जो
बिल था उस पर जो डिस्काउंट था वो भी उतना ही सेम है जितना अभी यहाँ पे जो डिस्काउंट चल रहा है, 50% ऑफ चल रहा है पांच गारमेंट्स लेने का। वैसे तो हम लोग को पांच से ज्यादा ही लेने, 7, 8, 9, 10 जितने भी होने वाले हैं, तो उस पर सब पे हम लोग 50% मिल जाएगा फ्लैट। तो बेटर है कि अभी शॉपिंग करके चले जाए, वो कूपन बाद में भी हम लोग रिडीम कर सकते हैं। तो अभी हम लोग ले रहे हैं बेसिक कपड़े, मतलब जो रेगुलर घर में पहनने के हैं, जो सेट ऑफ 3 होते हैं वही मोस्टली हम लोग उठा रहे हैं, जैसे कि ये टी शर्ट्स, ये पूरा पैजामा। और अभी उसके लिए हम लोग 9 to 12 months वाले ले रहे हैं, बिकॉज 6 months वाले तो उसको आ भी नहीं रहे। तो हो गए सारी शॉपिंग। तो ये है वो सारे कपड़े, वैसे पांच सेट लेने के बाद में 50% डिस्काउंट, बराबर 50%। हाँ, तो एक सेट लिया हम लोग रॉम्पर्स का, एक सेट लिया ऐसा टी शर्ट का, फिर इसके बाद में फुल स्लीव टी शर्ट का, फिर इसके बाद में बॉडी वाला का, और उसके बाद में शॉर्ट्स। तो ये रेन के लिए फ्रॉक खरीदने को देख रही है, देखो व्लॉग देखेगा वो भी पड़ाव पे, क्यूट लगेगा मगर। इरेन बना मिकासा, हेयर बैंड भी है देखिए। हां मुझे जरूरत ही पड़ेगी तो ये पहना सकते पूरी तरह। क्या अच्छा क्या कर रही। ये है बेबी मास्क, पर मुझे पूरा यकीन है इरेन या तो इसको खा जाएगा या तो निकाल के फेंक देगा। एक्चुअली बेबी गर्ल्स के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस और बहुत प्यारे 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 ऑप्शंस है। ओहो सही है यार, बहुत सारे ऑप्शन, बहुत प्यारे प्यारे ऑप्शन। तो हो गई शॉपिंग, कितना सारा आ गया। हाँ एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था, 50% मतलब 3000 भी नहीं हुआ। टोटल बिल हुआ हमारा 2400 और हम लोगों ने नहीं बोल के भी 14-15 कपड़े ले लिए, और ऐसे भी नहीं मतलब बहुत प्यारे क्वालिटी है। तो अभी जाते हैं यहाँ से, इरिन को लेते हैं घर जाते हैं, क्योंकि मुझे जाना है जिम, तेरे को जिम अभी स्किप नहीं करना है। मुझे बैक मारना है, पर मेरी जो कमर में चमक आई है ना, सोच रहा हूँ क्या करूँ, आज डेडलिफ्ट मारूँ या नहीं मारूँ, नहीं मारना अच्छा रहेगा। ये कौन सी है, प्यारी गाड़ी लग रही है ना। रेनॉल्ट की किगर, टाइगर। जब चलाना सीख रहे हैं तो थोड़ा सा गाड़ियाँ गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही है मुझे। लूंगा नहीं मगर। क्या कर रहे तुम लोग। दिन खत्म हो गया। ओके ओके आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे दिन के डॉली मन में डालो जल्दी से। अरे गया। ये जो है डोरेमोन, इसमें रोज हम लोग दिन खत्म होने के बाद जितना जेब में चिल्लर होता है सब उसमें डाल देते हैं। अभी आलम ये है, थोड़े दिन में इरेन से पैसे मांगने पड़ेंगे हम लोग। डब्बा भर चुके हैं ऑलमोस्ट। और हम लोग डालते हैं तो 1-2 रुपए के कॉइन तो रहते नहीं, 10-10 के कॉइन ही आते हैं आजकल हम लोग के पास, वही जाते हैं तो 10-10 करके हजारों में हो गए अभी भाई के पास। देगा ना डैडी को पैसे, हाँ मांगेंगे डैडी तो देगा ना डैडी को पैसे। देगा ये लोग का तो चलता रहेगा, अब वो सुलाएगी इसको तब जाके सोएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। सो गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।